क्या हाल चाल है आप सब लोगों के? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं, मजे में हैं, खुशबाश है, चलें गुड, वेरी गुड। बस ऐसे ही हमेशा खुश रहिए, खुश रखिए और खुश रहने दीजिए, जैसा हमेशा कहती हूँ। तो आज का जो हमारा लेटर है, जो लेसन है आज जो हम करेंगे, वो है रा। अच्छा, रा जो है वो समझे दाल लिखा हुआ है ना, तो उसी की तरह से बहुत आसान लेटर है। और जिस तरह से दाल लिखा है तकरीबन उसी तरह से कमोपेश लिखा जाएगा। थोड़ी सी मैं बता दूंगी आपको आइडिया कि किस तरह से करना है। तो अगर आप दाल की प्रैक्टिस कर चुके हैं तो रा आई होप के बड़ी आसानी से लिखा जाएगा। चले फिर आइए शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज लेसन नंबर है हमारा 9। ठीक है, और क्या है ये हम लिख रहे हैं सुलुस, जिसको हम सुलुस भी कहते हैं। ठीक है, और आज जो हम लिखेंगे वो है रा। ठीक, यानी के रा उर्दू में भी लिखते थे। ये है हमारा आज का लेसन। क्या करते हैं पॉट सामने रखे अपना, सही होता है क्या? थोड़ा सा यहाँ से मैं स्टार्ट करती हूँ। पहले एज यूजुअल हम लोग क्या करेंगे, बगैर डॉट्स के लिखते हैं। ठीक है, जैसे अब इसमें मैं फिर आपको एंगल्स बता दूंगी। वैसे एंगल ऑफ प्लेसमेंट इसमें 55 होता है। जैसे ये 40 है तो अब ये 40 का मेरा एंगल है। ठीक है, ये समझे ये 40 है तो मेरा थोड़ा सा ऊपर होगा, ऐसे होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं 40 के पे ही रखते हुए सबसे पहले डॉट्स डाल देते हैं। चौड़ाई है इसकी एक डॉट की। दाल में क्या था, तीन डॉट्स हमने डाले थे, तीन डॉट्स की उसकी विड्थ थी और फिर नीचे तीन डॉट्स साइड में डाले थे। इसमें वन डॉट इसकी विड्थ होगी और उसके बाद हम लिखेंगे उसके नीचे। तो अभी तो फिलहाल मैं बगैर डॉट्स के लिखना चाह रही थी तो मैंने डॉट डाल दिया। तो चलें कोई बात नहीं, अब डॉट के साथ ही कर देते हैं। ठीक है, अब समझे ये इसके नीचे विड्थ है। अब तीन डॉट्स जो है इसकी डेप्थ होगी। ठीक है ना, ये तीन डॉट्स इसकी डेप्थ है और ये समझे यहां से आ गया और ये एक पतला सा जैसे ये बन गया तकरीबन। अच्छा, अब लिखते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला मेरी गलतियों को माफ फरमाए। स्टार्ट हमने देखें यहीं से करना है, फर्स्ट डॉट के साथ ही। ये है मेरा समझे 55 का एंगल, एंगल ऑफ प्लेसमेंट एपी कितना रहेगा इसमें 55 डिग्री। और फिर उसके बाद आपको यहां तक आना है। किस तरह से, हल्का सा एस कर्व ही आएगा इसमें भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्लोली 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 लेके आए और यहां तक लाके आपको ऐसे देखा जाए तो ये एक एस कर्व है यू। ठीक है, एक तो ये हो गया। फिर उसके बाद इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने लेना है हाफ कनेक्शन। अब हाफ कनेक्शन क्या होता है, यानी कि पूरा निब मुझे अंदर नहीं रखनी, मुझे हाफ निब इस जहां फर्स्ट स्ट्रोक छोड़ा है हाफ निब अंदर होगी हाफ बाहर होगी। तो अगर फुल कनेक्शन में करती हूं तो पूरी निब अंदर, हाफ कनेक्शन हाफ अंदर और बाहर, सेपरेट कनेक्शन टिप टू टिप पॉइंट टू पॉइंट। तो इसमें हाफ कनेक्शन लेना है हमने। ठीक है ना, और यहां से आप लेके आएंगे तो हल्का सा कर्व करके इस तरह से इस डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, अब यहां से अगर आप बिल्कुल एग्जैक्टली कर लेना तो आपके लिए शुरू में आसानी हो जाएगी कि ये 1 2 एंड 2 एंड हाफ इसकी
यहां से डेप्थ होती है। ठीक है, अब हम इसको लेके चलते हैं। थोड़ा सा कर्व के साथ मैंने लेके गई हूं, अब इसको सीधा 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 लेते जाएं। ये देखें, ये तकरीबन आ गया यहां तक। ओके, टू, और बाकी जो है इसकी, यहां से सही नहीं बना तो मैं फिर से लेके आती हूं, और यहां से बाकी उसकी ऐसे टेल बनती है, उसको फ्लिक कर देना होता है आपको। ठीक है, और यहां से फिर निब के साथ आप इसमें इंक भर दें। अब ये चीज जो है ना, ये जो नीचे आई है, ये तकरीबन इधर आएगी, ये जो इसकी टिप नीचे तक, और एंगल जो यहां पे खत्म हुआ है इसका, ये यहां पे खत्म होगा। तो ये इसकी टिप है, यहां तक राको वैसे आना है। अब बनाएंगे इसका जुल्फ या क्राउन, तो ये होता है वन का, जैसे मैंने दाल का भी कल बताया था ना लास्ट क्लास में, कि वन का तकरीबन इसका जुल्फ होता है वन डॉट चौड़ा। तो थोड़ा सा डायमंड में लेके आए, और इसी तरह इसकी टिप से आपने इसका क्राउन बना देना है। ये देखिए कहां तक आ रहा है, वन डॉट तक। ठीक है, इस तरह से रखना है। ये आपका हो गया दाल। अच्छा, अब इसको अगर नापना शुरू करें, आप वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स, इस पूरे की लंबाई तकरीबन कितनी होगी, सिक्स, और इसकी इसकी जो टेल है वो ये देखिए यहाँ है, ये भी टू, यानी ये फोर और ये टू इज इक्वल टू सिक्स। टेल टू डॉट्स लंबी, ओवरऑल इसकी जो लंबाई थी वो थी फोर, और डेप्थ इसकी टू एंड ए हाफ, टू तक तो ये यहां तक आया है, उसके बाद टेल जो है वो हाफ नीचे और गई है तकरीबन डेप्थ में, और थ्री इसकी डेप्थ है, और रा का जो पहला स्ट्रोक है वो होता है एक डॉट चौड़ा। ठीक है, अब ये बस टोटल इतना ही है, इसमें कोई इतनी मुश्किल चीज नहीं थी आपके ख्याल, आपको भी लग रहा होगा कि ये कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि दाल जो हमने लिखा था वो इससे थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल था, उसको घुमाना, कर्व ले जाना, ऊपर बनाना। इसमें तो बिल्कुल स्ट्रेट लेके आना है, एक दफा बगैर डॉट्स के भी लिख के देखते हैं। 45 पे एंगल ऑफ प्लेसमेंट इंक ज्यादा आ रही है, इतनी मोटा हमेशा कभी भी नहीं पड़ना चाहिए, जब भी आप एक डालें तो ये पतला होना चाहिए। इसको हल्का सा आहिस्ता आहिस्ता नीचे लाते 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 अब मैं अंदाजे से कर रही हूं। ठीक है, यहां पे किया, फिर यहीं से हाफ कनेक्शन लेते हुए यहां लाए और ऐसे कर दिया। ठीक है, अब ये टेल जो है ना, ये फ्लिक करनी होती है, और इसके बाद आपने इसको इसको यहां से फिल कर दें। बाज़ औक़ात आप देखेंगे जब मार्क इससे लिखा हुआ होता है ना कैलीग्राफी पेन से, तो लोग इसको ऐसे भी छोड़ भी देते हैं बगैर फिल किए हुए भी, तो वो भी अच्छा लगता है। आपने देखा होगा कई जगह कैलीग्राफी में इसको आप वो लोग टच इसको फिल नहीं करते, बल्कि कैलीग्राफर्स जो होते हैं वो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, लेकिन यहां पर हमें जरा सा डिटेल बतानी है, और बिल्कुल नोक होनी चाहिए ऐसे, और यहां पर आपने बना दिया इसका 50 पे रखे कलम, वो 55 था तो 50। अच्छा, ये वाला जब कलम है ना, जो यहां से दोबारा से शुरू होता है, ये है 70 का, ये 70 पे रखना है, और ये वाला 55 पे। ठीक है, तो ये इतना सा थोड़ा सा इसमें ये चीज होती है, इसको मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा ऐसे कर्व में इस तरह से। अब आपने ये लिया और डायमंड शेप बनाया, और यहां से आपने इसको फिल कर दिया, तो ये बन गया रा अल मुर्सल।
सही है, ठीक है ना। एक दफा बस और लिखते हैं और फिर खत्म क्लास हमारी, इतना मुश्किल है नहीं आज का। डॉट के साथ लिख लेते हैं एक दफा फिर से। ये आपने एक डॉट डाला, उसकी आपने यहां से विड्थ ली, स्ट्रेट पेंसिल से खींच लें। फिर यहां आपने थोड़ा सा, बिल्कुल साथ नहीं डालने, थोड़ा सा नीचे से आपने थ्री डॉट्स डालने ताकि बिल्कुल यहां से टच ना हो रहा हो, फिर आपके पास इतना गैप आ जाएगा, ठीक है। और ये यहां से देखिए, ये है हमारा बॉक्स जिसके अंदर हमने रा का फर्स्ट स्ट्रोक करना है। रखा 55 पे, ये 55, और आहिस्ता 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 नीचे लेके आए और इस तरह से 3 तक लेके आना है। फिर यहां से आपने हाफ रखा, ये वाला जो है ना हल्का सा कर्व में होता है, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता, ये आप लेके आए और यहां से आपने फ्लिक कर दिया, खत्म हो रही है इस तरह से, ओके। और ये यहां पे आप इसका बना दिया, ये हो गया इसका क्राउन, तो ये बन गया, ठीक है। ये और यहां से यहां तक, इसके नीचे से यहां से समझे स्टार्ट करना है आपने, 2 डॉट्स इसकी चौड़ाई हो गई। और ये जो है ना, ये थोड़ा सा और नीचे जाएगा, उसको बाद में आप निब से अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन हाफ डॉट इसकी डेप्थ हो जाएगी टेल की, तो ये बन गया। तो अच्छा, मैं एक चीज अगर मैं आपको बताऊं, यहां से अगर आप, मैं चले डॉट से, मैं पेंसिल यूज करना नहीं चाह रही क्योंकि ये सारी इंक फैल जाएगी फिर इससे, पेंसिल से। अब अगर मैं यहां पे स्केल रखूं या रूलर रखूं ना और इस इधर से लेके इधर टिप तक जाऊं, तो देखिए आप, ये एक कर्व आया इसमें हल्का सा, ठीक है। ये चीज का आपने ख्याल रखना है, बिल्कुल ये स्ट्रेट नहीं होता। राख को अगर मैं यहां से जैसे लेके आऊं तो ये यहां पे जहां तक टिप जाएगी बीच में एक हल्का सा कर्व आना चाहिए, ये जरूरी है, ओके। और बाकी जब इसका नुक्ता डालेंगे ऊपर जाल का, तो तकरीबन जब भी किसी का नुक्ता डालते हैं, बा का या ता का या जाल का या जा का, तो तकरीबन एक डॉट की समझे आपने गैप छोड़ना है, और उसके ऊपर ये समझे एक डॉट का गैप है ये, तो ये ऊपर आपने डाल दिया जाल का नुक्ता, यानी जा वा जा, हमारे यहाँ उर्दू में जाल कहते हैं लेकिन ये अरेबिक में जा है, ठीक। एक दफा और आप आहिस्ता से करके जल्दी से इसको खत्म करते हैं, यूं खत्म हो गया, शुरू हो जाती है। सेकंड स्ट्रोक पे हमेशा दोबारा से भर लेना चाहिए इसको, यूं। और ये 55 है तो 50 पे रखें थोड़ा सा, और ये आपका हो गया जा, ठीक है रा। और ये हो गया इसका जा, ज्यादा मुश्किल तो नहीं है मेरे ख्याल में, इतना ज्यादा आसान ही है अगर देखा जाए तो। अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं ऑलरेडी, दाल की कर चुके हैं पहले प्रैक्टिस, अलिफ बा जीम कर चुके हैं, तो उस हिसाब से तो मुझे लगता है ये फिर आसान है। चले सही है, बस फिर इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे, नेक्स्ट क्लास हमारी होगी और लिखेंगे रा की अगली टाइप, यानी रा अल मुरसल तो किया है, अब रा अल मजमू लिखेंगे। फिर उसके बाद तीसरी टाइप आती है रा की, रा अल रहमानी, ठीक है। तो रा अल रहमानी उसके बाद करेंगे, रा अल अल मजमुआ जो है बहुत हद तक दाल से मिलता जुलता है, वो भी बहुत आसान है। चलें ठीक है, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। सब लोगों को खुदा हाफिज़।